गांव में 500 परिवार हैं। शौचालय का दिक्कत हो तो बाबन ठाकुर हैं, आयर गडेरिया हैं, खेते में जाए तो गाड़ी देते हैं, बुढ़ापा हैं तो कैसे जाए कैसे आवे। और बुढ़ापा एक हमारे घर में बाबू ढंगलाए जाते हैं, सबके घर में बुढ़ापा ऐसे हैं तो जैसे गिरे पड़े। और विकलांगो हैं, नदी किनारे बिटिया पतोह हैं, जाते हैं वहाँ किरा निकला, वहाँ मन नहीं आए, वो आए ये आए यही बतावत हैं। मैडम समस्या है मैडम, शौचालय हमारे गांव में नहीं आया है, शौचालय का ज़रूरत है, बहू हैं बिटिया हैं, बाहर भीतर आने जाने के चाहे। दुई दया फार्म भरा रहा तो कहन के ब्लॉक पर गावा, फिर कहते हैं मिले मिले यही बतावत हैं प्रधान लोग, फार्म जा था कहन ब्लॉक से आवत है ये कहीं। आप सब लोग यहाँ काहे के लिए आए हैं? आए हैं हमारे जन संडास नहीं बा, और नलका पानी बहावे के नहीं बा, अब बदलने के मच्छर छच्छर काट से सियान के बीमार हो जाते हैं, दवाई कहाँ से कर पाए वही बताए। तो डीएम किया आए हैं मुख्यालय एप्लीकेशन दो, का कहें डीएम साहब कहे ना वो ये। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के ज्ञानपुर ब्लॉक के तुलहीपुर गांव में शौचालय की समस्या पर 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समुदाय को संगठित व जागरूक कर इस समस्या पर बदलाव ला पाई। तो कैसा आई तो इधर मीटिंग बैठाई, उसके बाद एप्लीकेशन दी है मुख्यालय लेके गए, वहाँ से दरखास्त दी है, चला गया वहाँ से, फिर आए तो करे बाद में बना, बाथरूम बन गया तो हम लोग वही खुश है कि बाथरूम बन गया। हम सबके बहुत बहुत दिक्कत उठाए, बहुत बहुत परेशानी उठावत गए, अब ये बाथरूम बन गया बाटा, अब उसके लिए कौन दिक्कत नहीं, बहुत खुश है हम सभी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से ऐसे ही अपने हक वंचित समुदाय की अनसुनी समस्याओं को उठाती रहूँ और उसको संगठित व जागरूक कर उस पर बदलाव लाती रहूँ। मैं केसा देवी, भदोही जिला, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।